हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई वीडियो चैनल। सिंपली आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ चैलेंज पॉइंट क्या होते हैं गाइस। ठीक है, आप चैलेंज पॉइंट से किस तरीके से बच सकते हैं मास्क लगने से गाइस। ठीक है, जो चैलेंज पॉइंट होता है हमारे इसके बाद काम करना स्टार्ट हो जाता है गाइस। ठीक, कितने चैलेंज पॉइंट पे आपको कितनी मास्क लग सकती है या कितने चैलेंज पॉइंट होने चाहिए तो आप मास्क से बच सकते हैं गाइस। ठीक है, ये सब आज की वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से आओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही नई नई मेरा वीडियो आपके लिए सब लाता रहूँगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की वीडियो, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए बिना कुछ बकवास किए गाइस। गाइस, आपको चैलेंज पॉइंट कहाँ पे देखने को मिलते हैं सिंपली इसके बारे में बात कर ले। सिंपली आप मैप पे क्लिक करेंगे, उस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे आपका जो टेयर होता है वो लिखा आता है, मेरा एज डोमिनेटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एज डोमिनेटर के जस्ट बगल में राइट हैंड में आपको देखने को मिलता होगा इस तरीके से सिक्योरिटी का एक ऑप्शन। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके चैलेंज पॉइंट दिखने लगते हैं गाइस। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि मेरे चैलेंज पॉइंट कितने हैं। देखिए आज मेरा एज डोमिनेटर टायर है, जो टेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग चैलेंज पॉइंट बढ़ते जाते हैं गाइस। ठीक है, जितने कम टायर होगा उतने ही कम चैलेंज पॉइंट होंगे, जितने ज़्यादा आपका टेयर होगा उतने ही आपके ज़्यादा चैलेंज पॉइंट मांगेगा वो। तो यहाँ पे वैल्यू चैलेंज पॉइंट मांग रहा है मेरे 600, तो मेरे पास अभी 569 यानी 569 मेरे पास है, तो मैं 600 होंगे। जब तक मेरे 600 चैलेंज पॉइंट नहीं होंगे तब तक मैं माइनस खाता रहूँगा। जैसे मेरे 600 चैलेंज पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो मैं माइनस से बच सकता हूँ। ठीक है, क्या हो सकता हूँ, बच सकता हूँ। अब देखिए 600 के बाद मैं कितनी माइनस से बच सकता हूँ। देखिए आज यहाँ पे देखिए डिडक्शन रेशियो है 30 चैलेंज पॉइंट इक्वल टू 1 डिश। यदि आप एक माइनस की खाते हैं तो आपके 30 चैलेंज पॉइंट चले जाते हैं, यानी कि आपके 600 पे कितने आने चाहिए, 600 पे आपके 20 आपकी माइनस खाते हैं तो आपके 600 चैलेंज पॉइंट चले जाएंगे। ठीक है, इतने से आपको बचा सकता है। ठीक है, अब देख जितना टेज ज़्यादा होगा उतना ही चैलेंज पॉइंट ज़्यादा होती है। यदि हम बात करते हैं अब सोलो की, ठीक है, डो की बात करते हैं, डो देखिए डुओ में कितने चैलेंज पॉइंट मांग रहा है। मैं डुओ में डायमंड 5 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डुओ में 300 वैलिड पॉइंट मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे 21 है, यहाँ पे डिडक्शन रेशियो 10 है, तो यहाँ पे 30 की माइनस पे आपके 300 चैलेंज पॉइंट चले जाएंगे। ठीक है, ये डायमंड का होता है, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा क्राउन का। तो आप खुद से आगे चेक कर सकते हैं आपके वैलिड चैलेंज पॉइंट कितने मांग रहा है। ठीक है, एक डोमिनेटर पर होंगे तो आपके 600 मांगेगा, यदि आप उससे नीचे होंगे तो उसके नीचे लिखा होगा वैलिड चैलेंज पॉइंट। जब आपके वैलिड चैलेंज पॉइंट से ऊपर होंगे तब आप माइनस से बच सकते हैं। यहाँ पे मेरे नीचे हैं, इस पर भी नीचे है। ठीक है, मेरा और मैं सोलो आता हूँ तो मेरा सोलो में भी नीचे है गाइस। ठीक है, सोलो में देखिए नीचे है, मैं डायमंड 5 पे सोलो में हूँ, डूम डायमंड 5 पे हूँ, और जो हमारा स्क्वाड का है ठीक है स्क्वाड में एक डोमिनेटर पे हूँ, तो यहाँ पे मेरे 569 हैं गाइस। ठीक है, अब मैं 600 जाएंगे तो मैं चैलेंज पॉइंट मतलब चैलेंज पॉइंट मुझे बता सकते हैं मास्क लगने से गाइस। ठीक है, इस तरीके से आपके चैलेंज पॉइंट काम करते हैं। यदि आप ये चाहें कि आपके चैलेंज पॉइंट अपने आप लग जाएँ, अपने आप बंद हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ठीक है, वो अपने आप ही काम करते हैं। आप ये पूछेंगे चैलेंज पॉइंट कैसे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा चैलेंज पॉइंट कैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त हैं, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत गाइस।